नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। पिछले कुछ समय से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में जगह बनाते रहे। उनके विवादित बयानों वाली सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड में विवाद की मात्रा पहले से ज्यादा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा है। सारी विषमता का कारण ही ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो ज्ञान दिया उसमें 7 बार ब्राह्मणवाद, 8 बार हिंदू, 4 बार धर्म, 4 बार धोखा और 4 बार मंदिर शब्द का जिक्र किया। इसके पीछे राजनीतिक अवसरवादिता और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जब इंडिया की बात करते हैं तो साथ में पीडीए कहना नहीं भूलते, जिसका मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। उन्हीं की पार्टी के एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो इसी पीडीए के एक हिस्से से ताल्लुक रखते हैं। पिछड़ों की सियासत करने वाले नेता अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अब यहां सवाल उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी में रहते हुए वो लगातार ऐसे बयान देकर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? और सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव इस पर चुप क्यों हैं? इसे समझने के लिए आपको यूपी का जाति गणित समझना होगा। यहाँ पिछड़ा वर्ग 41%, अनुसूचित जाति 21%, अनुसूचित जनजाति 2%, मुसलमान 19%। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की कुल जनसंख्या 20 करोड़ है। यूपी में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की कुल आबादी 83% है। इसी जाति गणित को ध्यान में रखकर स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं ताकि 2024 में अपनी और सपा दोनों की नाव को किनारे लगाया जा सके। स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों के और भी कारण, राजनीतिक अवसरवादिता। मौर्य भाजपा से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी अपनी धर्मनिरपेक्ष और अल्पसंख्यक हितैषी नीतियों के लिए जानी जाती है और मौर्य हिंदू धर्म पर हमला करके इन मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यक्तिगत मान्यताएं, मौर्य ऐसी जाति से आते हैं जिसको भारत के इतिहास में हाशिए पर रखा गया, इसलिए उन्हें हिंदू धर्म के प्रति व्यक्तिगत शिकायतें भी हैं। सामाजिक विभाजन की अगर बात की जाए तो ये भी है। मौर्य के बयानों को भारत में हिंदुओं और अन्य धार्मिक समूहों के बीच सामाजिक विभाजन पैदा करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। इससे उन्हें राजनीतिक रूप से लाभ हो सकता है क्योंकि इससे उन्हें अल्पसंख्यक मतदाताओं का समर्थन मजबूत करने में मदद मिल सकती है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 62 सीटें जीती, जिसमें उसका वोट शेयर 49.56% था। बीजेपी को उस समय उच्च जातियों ने 68.5%, ओबीसी ने 46.3% और एससी ने 35.4% वोट दिए थे। इसके साथ ही मुसलमानों ने 12.6% वोट दिए थे। इसी बात को ध्यान में रखकर स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं ताकि चुनावों से पहले यूपी में ओबीसी एससी का वोट बांटा जा सके। अगर बीजेपी को फिर से केंद्र में सरकार बनाने से रोकना है तो सबसे पहले उसे यूपी में हराना होगा। पिछली बार प्रदेश में सपा और बसपा दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा लेकिन बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। हालांकि इस बार भी इंडिया गठबंधन तैयार हो चुका है लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने खुद को इससे बाहर रखा है, जो कि विपक्ष के लिए सबसे बड़ी परेशानी होगी क्योंकि अगर मायावती का साथ विपक्ष को नहीं मिलता तो उनका वोट बैंक छिटक जाएगा, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। नमस्कार।